नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने के बाद से एक तरफ देश की राजनीति में बड़ी उथल पुथल है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इसे कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के अवसर में बदलना चाहती है। यही कारण है कि राहुल गांधी की सजा के ऐलान के बाद से कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव दिख रही है। बात करें राजस्थान की, तो भले ही प्रदेश में सत्ताधारी दल कांग्रेस हो, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर चुकी है। राजस्थान कांग्रेस की ओर से कल यानी पूरे दिन जयपुर कलेक्ट्रेट सर्किल पर सत्याग्रह का आयोजन किया गया। अब इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को लेकर 5 दिन में सभी 7 संभागों में संभाग स्तरीय संगठनात्मक बैठक करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज मंगलवार से होगी। बीकानेर जिले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की हिरासत में विदेश व्यापार महानिदेशालय के संयुक्त निदेशक जमरीमल बिश्नोई के मामले में नया खुलासा हुआ है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार जमरीमल रिश्वत लेते पकड़ा गया। उसी दिन रात करीब 10 बजे उसके फ्लैट से 500 और 200 रुपए के नोटों की गड्डियां फेंकी गई थी, जो जमरीमल के भतीजे ने उठाई थी। इस पूरी घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। इसमें नोटों की पोटली गिरती हुई दिख रही है, जो जमीन पर गिरते ही खुल जाती है। फिर जमरीमल का भतीजा नोटों की गड्डियां उठाता हुआ दिख रहा है, जो करीब 50 लाख रुपए के बताए जा रहे हैं। सीबीआई ने 50 लाख रुपए जब्त भी कर लिए हैं। पता लगाया जा रहा है कि इतनी कैश राशि बिश्नोई के पास कहां से आई। दरअसल जमरीमल बिश्नोई को सीबीआई ने रिश्वत के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। भीलवाड़ा जिले में नेपाल और बिहार से युवतियां लाकर देह व्यापार कराने का मामला सामने आया है। मामले में प्रतापनगर पुलिस ने 4 युवतियों और एक युवक को हिरासत में लिया है। दलाल ने बाहर बंजारा बस्ती में एक घर किराए पर ले रखा था। सीओसीटी नरेंद्र दायमा ने बताया कि जोड़धास रेलवे स्टेशन फाटक के पास बंजारा बस्ती में किराए के मकान में देह व्यापार की शिकायत पर थाना प्रभारी राजेंद्र गोदारा सहित पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस ने बोगस ग्राहक भेजा, उसके बाद मकान पर छापा मारकर 4 युवतियों के साथ नई दिल्ली निवासी पीयूष कुमार को गिरफ्तार किया है और एक 17 साल के नाबालिग को भी हिरासत में लिया है। दलाल पीयूष कुमार ने बताया कि आरजिया निवासी दुर्गेश उर्फ दुर्गालाल उर्फ डी के गुजर के बुलाने पर वह लड़कियों को देह व्यापार के लिए लेकर आया था। पुलिस ने आरोपी दुर्गेश गुजर के आरजिया में किराए के मकान पर दबिश दी, मगर वह फरार हो गया। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर चूरू इकाई ने जयपुर में कार्रवाई करते हुए विकास मीना सामाजिक सुरक्षा सहायक कार्यालय क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त जयपुर को परिवादी से 6000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसीबी की चूरू इकाई को परिवादी ने शिकायत दी कि उसके दिवंगत पिता के पेंशन पीएफ और ईडीएलआई की राशि का भुगतान शीघ्र कराने की एवज में सामाजिक सुरक्षा सहायक विकास मीना द्वारा 8000 रुपए रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है। शिकायत का सत्यापन कर जयपुर में आरोपी के कार्यालय के बाहर ट्रैप कार्रवाई करते हुए सामाजिक सुरक्षा सहायक विकास मीना को परिवादी से 6000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस के भगौड़े अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस अब नेपाल तक पहुंच चुकी है। पंजाब पुलिस का साथ यहां दिल्ली पुलिस और सेंट्रल इंटेलिजेंस विंग भी दे रहा है। इसी बीच पुलिस ने अमृतपाल के सबसे करीबी गनमैन वरिंदर जोहल को गिरफ्तार किया है, उस पर एनएसए लगाया है। इसके बाद उसे भी असम के डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया है। उस समेत अब तक 8 आरोपी डिब्रूगढ़ जेल भेजे जा चुके हैं। वही अमृतपाल सिंह के दूसरे गनमैन गोरखा बाबा से पूछताछ जारी है। पंजाब पुलिस के बाद केंद्रीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी उससे पूछताछ की। उसके फोन से पुलिस को खालिस्तान बनाने से जुड़े अहम डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। अजमेर जिले में बयावर किशनगढ़ राजमार्ग लाडपुरा पुलिया पर तेज रफ्तार बाइक धीमी रफ्तार से चल रहे ट्रेलर में पीछे से टकरा गई। दुर्घटना में चाचा भतीजे की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार लाडपुरा पुलिया पर बाइक सवार 2 युवक आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गए। दुर्घटना के बाद बाइक करीब 20 से 25 फीट तक ट्रेलर के साथ सड़क पर घिसटती रही। दुर्घटना के बाद बाइक सवार पीसांगन भावता निवासी 33 वर्षीय अमृत कुमार तौशिक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल भावता निवासी 20 वर्षीय विशाल को 108 एम्बुलेंस से जेलन अस्पताल पहुंचाया गया।
जहां देर शाम उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने ट्रेलर व दुर्घटनाग्रस्त बाइक जब्त कर ट्रेलर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सूचना पर अमृत कुमार के ससुराल वाले अस्पताल पहुंचे। बहनोई की मौत की सूचना मिलते ही तीनों साले बेसुध हो गए। हरियाणा के रेवाड़ी में दुष्कर्म पीड़िता एक नाबालिग लड़की पर उसके ही रिश्तेदारों ने फैसला करने का दबाव बनाया है। पीड़िता ने अपने पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मामले में उसके पिता व मां दोनों जेल में हैं। आरोपियों ने गांव में हुई पंचायत में पीड़िता को बुलाने का दबाव भी बनाया। दुष्कर्म पीड़िता ने कहा कि उसके ताऊ, चाचा, बुआ, फूफा व अन्य लोग उस पर कोर्ट में अपने बयान बदलने के साथ ही फैसला करने का दबाव बना रहे हैं। पीड़िता ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। मामले में सदर थाना पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल जिले के एक गांव निवासी 12वीं में पढ़ने वाली नाबालिग के साथ पिछले 3 साल से उसका पिता ही दुष्कर्म करता आ रहा था। उसने कई बार अपनी मां को भी इसकी जानकारी दी, लेकिन मां ने आरोपी के खिलाफ एक्शन लेने की बजाय उल्टा उसे ही धमकाया। आरोप है कि मां ही नाबालिग को जबरदस्ती पिता के पास भेजती थी। प्रदेश में एक बार फिर से सूर्यदेव की तपिश आज सोमवार से शहर वासियों को परेशान करेगी। आगामी 2 दिन प्रदेश में मौसम शुष्क रहने से तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं बाड़मेर, जैसलमेर का पारा 35 डिग्री के पार दर्ज होने के साथ ही अन्य जगहों पर गर्मी का असर हावी रहा, लेकिन गुरुवार से कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने के आसार हैं। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, नागौर और श्रीगंगानगर में मेघ गर्जन, वज्रपात और ओलावृष्टि के भी आसार हैं। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं 30 मार्च को जालौर, पाली और बाड़मेर को छोड़कर पूरे प्रदेश में तेज रफ्तार हवा के साथ मेघ गर्जन और ओलावृष्टि हो सकती है। अप्रैल के पहले सप्ताह में प्रदेश में तेज गर्मी के आसार हैं। अलवर जिले के टहला थाना क्षेत्र के गांव घेवर में रात 2:30 बजे एक युवक ने घर में घुसकर 30 वर्षीय महिला को चाकू मार दिए। महिला के हाथ व गले पर चाकू लगा है। महिला का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। चाकू मारने वाला युवक उसी गांव का है जो घटना के बाद से फरार हो गया। घटना को अंजाम देने के कारण का पुलिस पता लगाने में लगी है। घायल महिला रेखा ने बताया कि गांव का युवक राहुल उनके घर आया, दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खोलते ही उसने चाकुओं से वार किया। मेरे को गले व हाथ पर चाकू लगे हैं, जिसके बाद वह बेहोश होकर गिर गई। घर में छोटे बच्चे व सास थी, बच्चे भी चिल्लाने लगे, तब युवक वहां से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।